नमस्कार, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु आज अपने यूट्यूब के दर्शकों के लिए एक विशेष बातचीत मनी गुरु कर्नल अजय सिंह जी के साथ आपको साझा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कपास के भाव पर एक विशेष परिचर्चा उन सभी भाइयों को लाभान्वित करेगी जो इस जगत से जुड़े हुए हैं। हमने कर्नल अजय सिंह से विशेष बातचीत की। मैं उनके परिचय के बारे में आपको बताऊं कि कर्नल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल है, जिन्होंने 3 बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अभियानों में वीरता के लिए सम्मानित किया जा चुका है। कर्नल अजय अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो देश के प्रमुख बिजनेस टीवी चैनल जी बिजनेस, CNBC, आवाज़, मार्केट टाइम्स जैसे प्रमुख टीवी चैनल पर शेयर बाजार, एग्रोजिन्स और कमोडिटी बाजार पर पिछले 20 वर्षों से अपना विशेष विश्लेषण प्रस्तुत करते आए हैं। भारत के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी बिजनेस अखबारों में भी लगातार कर्नल अजय के लेख प्रकाशित होते हैं। इसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स आदि प्रमुख है। कर्नल अजय फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उन्होंने अभी हाल में ही सितंबर महीने में मार्केट विशेषज्ञों के खिलाफ जाकर काटन कपास में तेजी की भविष्यवाणी की, जो स्टिक साबित हुई। भारतीय कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कितनी ऊंची है या भारतीय कपास बाजार पर किस प्रकार का दबाव आने की संभावना है, ये विस्तृत रिपोर्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको पूरी स्पष्टता से ये पता चल जाएगा कि आगे भविष्य में कपास के भाव कैसे रहेंगे। वर्तमान में जो सितंबर के बाद 40% के आसपास की जो तेज़ी है, क्या वो तेज़ी आगे और किसी शिखर को ले जाएगी? इस विस्तृत रिपोर्ट पर एक विशेष परिचर्चा के साथ कर्नल अजय सिंह जी। सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल फार्म एंड फार्मिंग 2020 के लिए आपसे नरमे से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सर, जो नरमा जिसके आपने अग्रिम सितंबर मास में मार्केट विशेषज्ञों के खिलाफ जाकर कपास में तेजी की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई और कपास में लगभग सितंबर से अब तक 40% की एक तरफा तेजी है, तो इस तेजी की मुख्य वजह कर्नल साहब क्या रही है? देखिए विष्णु जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे चैनल को धन्यवाद और साधुवाद कहता हूं कि आपने किसानों के लिए और कृषि के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। धन्यवाद सर, आपके प्रयासों को मैं सराहता हूं और उम्मीद है कि आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शक आपसे लाभान्वित हो रहे होंगे और इस इंटरव्यू के बाद उनको कुछ लाभ मिले, ऐसी कामना है। सबसे पहले तो सन 2022 का शुभ आगमन के ऊपर मैं आप सभी का को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद धन्यवाद आपके पास आए। हाँ। देखिए क्या होता है, बाजारों में किसी भी एग्रोजीन्स की जो बड़ी फसल है जी सर, जैसे उसकी तेजी मंदी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हाँ जी, यदि आप देखें खरीफ की जो प्रमुख फसल सोयाबीन है और कॉटन है, और ये बहुत बड़ी फसल मानी जाती है। इसके ऊपर करोड़ों लोगों का रोजगार, इंडस्ट्रीज इसके ऊपर निर्भर है। यदि आप कॉटन देखें तो कॉटन सिर्फ एक कृषि उपज ही नहीं है, ये कच्चा रॉ मटेरियल है कॉटन यार्न का, ये रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ये रॉ मटेरियल है पशु आहार का। बिल्कुल, तो पूरा देश इसकी तेजी और मंदी से अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षित रूप से प्रभावित होता है। बिल्कुल हाँ जी, उत्पादन की बात करें हाँ जी, तो उत्पादन की आप देखें इस जो अनुमान लगाया जा रहा है, यद्यपि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने अनुमान लगाए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो अलग अलग जगह से मुझे मिलती है उसके मुताबिक लगभग 265 से 270 लाख बेल्स जो हैं उसकी कपास का उत्पादन माना गया है। मैं कर्नल साहब आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ, जो प्रति वर्ष औसत यदि हम पिछले कुछ वर्षों की हालात देखें तो 3 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ से 60 लाख, यदि हम एक अप्रोक्सीमेटली आकलन करें तो इतनी कट्ठों का उत्पादन भारत में होता है। इस बार हमारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एस्टिमेटेड अनुमान जो है चौथे चरण के 3 करोड़ 54 लाख के आसपास हमने कहीं आंकड़ों में देखे हैं, और आप उसे बहुत कम 1 करोड़ गांठ के आसपास यदि मैं मोटा मोटी अनुमान लगाऊं तो आपका जो अनुमान है वो 2 करोड़ 60-65 लाख है, तो क्या ये जमीनी स्तर पर हकीकत रहेगा सर ये इतना कम
उत्पादन का अनुमान? देखिए, जहां तक अनुमान की बात है, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यदि क्रॉप ईयर 2021-22 का लगाया जाए, 350 का है, 410 की डिमांड है, और ठीक है जी, बिल्कुल, और ओपनिंग स्टॉक इन्होंने 60 का बताया है, 355 का इन्होंने अनुमान लगाया है, 15 का इन्होंने इंपोर्ट दिखाया है, हाँ जी, तो और 430 की सप्लाई, हाँ जी, 60 का एक्सपोर्ट और 350 का कंजम्पशन, हाँ जी, तो और 20 का इन्होंने एंडिंग स्टॉक दिखाया है, हाँ ये इनके आंकड़े हैं, हाँ जी, लेकिन आप यदि इन आंकड़ों को आप देखें, हाँ जी, तो उसमें फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि लगभग 80% अच्छा माल हर साल आता था और 15-20% दागी माल हुआ करता था, हाँ जी, कपास के अंदर और नरमे के अंदर यदि आप स्टैटिस्टिक देखें, हाँ, तो हाँ बिल्कुल देखते हैं जी, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है जी, पिंक वॉर्म जो इंसेक्ट लगा, बिल्कुल, उससे अच्छी क्वालिटी का माल ही बाजारों में कपास का नहीं है, नहीं है जी, बिल्कुल, लगभग अलग अलग इलाकों से जो सूचनाएं मिली, उस सूचनाओं के आधार पर कुछ किसानों से भी हमारी लगातार बात होती है, तो उनका जो विश्लेषण कुल मिला के एक्सट्रैक्ट या सारांश ये आया कि इस साल 50-60% और कुछ इलाकों में तो 75% या उससे भी अधिक दागी माल कपास का उपलब्ध है और अच्छी क्वालिटी का माल ही नहीं है, नहीं है जी, नहीं है, और जब अच्छी क्वालिटी का माल नहीं है जो हर साल 80% हो रहा है और इस साल 20-25% रह गया, तो इसको आप कैसे गणना करेंगे ये बताएं, इसका आंकड़ा सही नहीं बैठ पाएगा जी, ये बिल्कुल, ये कैसे बैठेगा, बैठेगा नहीं, बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं, और तो, जो क्वालिटी वाइज वो हमारी कपास जो इस वर्ष बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, जिनिंग मिल, धागा मिल सभी के लिए ये कहीं न कहीं ये कहानी का कारण बन के रही है, ये इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि जो धागा बनने आने वाली कंपनियां हैं, जो यान बनाने वाली कंपनियां हैं, वो हल्का माल उनके लिए यूजफुल ही नहीं है, वो काम भी नहीं कर पाएंगे उस स्तर पर, उनसे जो धागे की जो क्वालिटी तो है वो नहीं आप मुझे, तो यही मेरा प्रश्न है कि सिर्फ हम आंकड़ों की तरफ देखें, हाँ जी, और उसका उपयोग नहीं देखें, तो उसका उपयोग क्या है, बिल्कुल जी, कर्नल अजय सिंह जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो सितंबर से दिसंबर के इन महीनों में 40% उस स्थान से जो तेजी दर्ज की गई है, आपका आकलन इस तेजी से आगे क्या संभावनाएं हैं सर? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहता हूँ, हाँ जी, कि ये तेजी हमारे यहाँ नहीं है, हाँ जी, तेजी और मंदी किसी भी एक देश के में रहने से टेम्परेरी उसका असर होता है, हाँ जी, आज पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी मानी जाती है, हाँ जी, हाँ जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि अभी आप देखें यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो की भी जो खबरें आ रही हैं, जो वहां पे जो उसका अनुमान है, क्योंकि एक और गौरतलब बहुत दर्शकों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हमारे हमारे जो एसोसिएशन हैं या हमारी सरकार इन द्वारा जो आंकड़े हैं उसके ऊपर हमारे किसान और हमारे व्यापारी विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और ये बहुत ही मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि भारत में शुद्ध आंकड़ों को प्राप्त करना बहुत ही टेढ़ी बात है सर, और ये भी देश के व्यापार के लिए मेरा निजी विचार है कि कहीं न कहीं हानिकारक है, इससे एस्टिमेटेड अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है, ना बिजाई करने वाला किसान, ना खरीद करने वाला व्यापारी और ना स्टॉकिस्ट, इस बात से हम पूर्ण सहमत है कर्नल अजय जी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सूचनाएं दे रहा है जी सर, उसके ऊपर समान रूप से सब लोग एक उसके अंदर सहमत होते हैं, हाँ जी, तो महत्वपूर्ण ये है कि जो जब क्वालिटी कॉटन अवेलेबल नहीं है, हाँ जी, भारत में, तो दाम घटेंगे कैसे,
एक एक प्रश्न। दूसरा बड़ा प्रश्न, दूसरा एक जवाब कि जब पूरे ग्लोबल लेवल पे आईईएसई में तेजी है तो आपके दाम कैसे घट जाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप लगातार आप अपने टीवी चैनल्स पे या अन्य न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल्स में ये बात मैं पढ़ता रहा हूँ लगातार, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जो भारत सरकार है वायदा बाजार में कहीं कहीं इसकी खली और कपास को बैन करने की चर्चाएं हम सुन रहे हैं, तो इसमें आपके विचार से क्या कोई दबाव आएगा भारतीय कपास बाजार पे? देखिए विष्णु जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यवस्था को रोकने दबाने से वो कभी भी रुकती और दबती नहीं है। क्या पानी को कोई रोक पाया है? नहीं, नहीं रोक पाया। क्या हवा पे कोई काबू कर पाया है? हाँ जी। क्या कोई तेजी और मंदी पर कोई काबू कर सकता है? नहीं, ये प्रश्न नहीं है। बिल्कुल जी, यदि आप 2.06 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था प्याज की तेजी को रोकने के लिए, हाँ जी, और पिछले साल की तेजी से सबक लेके ये एक अच्छा कदम भी था, हाँ जी, लेकिन जब 600 रुपए 500 रुपए क्विंटल का प्याज 3200 रुपए और 4000 रुपए बिका, लगभग कई गुना, हाँ जी, उस वक्त ना वो बफर स्टॉक काम आया, ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट काम आया, और जो किस और जो उपभोक्ता हैं उनको कितनी परेशानी हुई वो आपको मालूम है। और जबकि जब जुलाई अगस्त के अंदर प्याज को लोग जलाने की बात कर रहे थे कि भाव कम थे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि किसानों आप घबराओ मत, आपको आपकी मेहनत का पैसा मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। तो अजय जी, मैं आपसे आपका यहीं से एक मैं प्रश्न और निकाल रहा हूँ, तो कपास के किसानों के लिए आप और कितना धैर्य रखने का संदेश देना चाहोगे? देखिए आंकड़े की से मैंने बात की, और अब थोड़ा सा आंकड़ा ये है कि अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, इसमें वेरिएशन हो सकता है, इसमें कोई दोहराय और शक नहीं है, हाँ जी, कि लगभग 120 लाख बेल्स की अराइवल मानी जा रही है, हाँ जी, और लगभग इतने मतलब लगभग 40 से 45% माल बाजारों में आ चुका है, आ चुका है, 55% माल अभी आना है जी। तो आप उसके अंदर भी हम ग्रेडिंग कर दें, हाँ जी, तो 15% ए ग्रेड का माल हमारे हिसाब से किसानों के पास है, हाँ जी, 15% बी ग्रेड का माल है, हाँ जी, और 70% सी ग्रेड का माल है, हाँ जी, और ये भी गौरतलब है यदि हम जो इसकी कॉटन की जो जो जो, जो भी व्यवस्था है, हाँ जी, उसके अंदर ए ग्रेड का माल अक्सर लास्ट अंतिम समय में ही निकलता है, किसान बिल्कुल ये अंतिम पोजीशन में निकालता है, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी का माल होता है और उसको भाव मिलने की उम्मीद होती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल माल बाजार में होता नहीं है, और जिसके पास सबसे शानदार माल होता है ए ग्रेड का, उसको उसके दाम अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। तो कुल मिला के आपका किसानों के लिए संदेश यही है कि वो अपने अच्छी गुणवत्ता का जो माल है, यदि वो मजबूत हाथों में है तो वो उनको रोक लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि डिमांड और सप्लाई के जो खेल हैं, हाँ जी, उस खेल को देखते हुए अच्छी क्वालिटी का माल को भरपूर उसको आपको उसका लाभ मिले तो उसको रोकने में ही भलाई है। एक दूसरा चीज ये है कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक इकोनॉमिक्स के आधार पर चीज मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी रूप के अंदर ये नहीं सोचना और समझना चाहिए कि आप 100% माल सबसे ऊंचे दामों में बेच लेंगे, हाँ जी, ये कभी भी नहीं होता है, 50% में चलना चाहिए। अक्सर इसमें धोखा होता है, हाँ जी, कि आप लगातार उच्चतम स्तर के ऊपर कभी भी पूरा माल नहीं बेच पाओगे, बिल्कुल जी, तो आप अपना सुपर प्रॉफिट के लिए बिल्कुल इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के पर भी लालच करें ये भी उचित नहीं है। तो ये कर्नल अजय सिंह जी, अजय जी आज जो पोजीशन चल रही है यहाँ पर, जैसे हमारे इस चैनल को संभवतः कुछ व्यापारी वर्ग भी देखेगा, तो उसे यहाँ पर बाइंग साइड में चलना चाहिए या सेलिंग साइड में चलना चाहिए इस पोजीशन में, उसे आज के हालात में कई जगह जो नरमा लगभग 9,300-9,400 रुपए के आसपास टच करा है अच्छी गुणवत्ता का नरमा, तो क्या करना चाहिए जी? देखिए महत्वपूर्ण यही रहेगा, मुझे तो कारोबारियों का यही समझ है
महंगा आएगा महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा, ये एक व्यापारी के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। नंबर एक। नंबर टू, यदि आपने नीचे में माल खरीदने में आप चूके हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी जी, वो भुगतना यदि टाइम के ऊपर यदि किसान ने फसल नहीं बोई है तो उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, टाइम से फसल नहीं काटी है तो वो पक्के खराब हो जाएगी, उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से यदि टाइमली आप अच्छे विशेषज्ञों को नहीं सुनोगे, टाइमली अपना दिमाग नहीं लगाओगे, टाइम के टाइमली यदि आप निवेश नहीं करोगे तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसमें इसमें कोई दोराय और कोई संशय नहीं है। जब तेजी बन जाती है उसके, और एक चीज और भी मैं यही कहूंगा कि आपके माध्यम से दर्शकों को, तेजी में तेजी और मंदी में मंदी करने वालों की बात सुन रहे हैं आप। जब जरी सी तेजी होती है तो सारे लोग तेजी तेजी बताने लगते हैं, दो लेवल ऊपर के दो लेवल नीचे के, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बातें करते हैं। जरी सी मंदी होती है ना उनको नीचे की, तो ऊपर भी मरते हैं नीचे भी मरते हैं। अजय जी, मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं और मैं आपके माध्यम से मेरे दर्शकों को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल की पोजिशन और स्टेटिक्स का सहारा लेकर अपना, चाहे बड़ा किसान है वो अपना माल अपने बाजार में लाए या उस जींस की अपनी खेती आरम्भ करे। विशेष आभार कर्नल अजय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमारे साथ हुई परिचर्चा भारतीय व्यापारी जगत को, किसानों को, उद्यमियों को, सभी को ये विशेष लाभप्रद होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, नववर्ष की शुभकामनाएं।